हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है मेंडिस और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रुद्र मेंडिस। तो दोस्तों, आज की वीडियो मेरी पबजी के ऊपर है कि किस तरह से आप अपने पबजी गेम को लाइटली स्मूथ ओपन करके खेल सकते हैं, और इसमें कुछ प्रोफेशनल टिप्स बताऊंगा जिससे आप प्लेयर को बहुत ही आसानी से पिक करके मार सकते हैं, या बहुत ही अच्छे अच्छे टिप्स आपको बताने वाला हूँ इसकी वीडियो में। इसलिए शुरू से अंत तक देखते रहिएगा, थोड़ा भी कुछ मिस नहीं मत कीजिएगा। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मेरे बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसी कमाल की वीडियोस लाता रहूं। तो अभी हम चलेंगे मिलिट्री बेस। मैं इसी वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि जैसे अभी आप देख रहे हैं ये आप लोगों का गेम है, मैं इस गेम को इस तरह से नहीं खेलता क्योंकि मेरे में बहुत से ऑप्शन मैं यहाँ पर डिस्प्ले में ओपन रखता हूँ, लेकिन मैंने अभी सबको हाइड कर रखा है। कई बंदे हैं जिनको ये सब नहीं पता होता कि किस तरह से बंदे को लाइटली मारा जा सकता है, तो इस वीडियो को देखते रहिएगा। तो अभी हम चलते हैं मिलिट्री बेस। एक पहली बात, उतरने की आप मेरी स्पीड देखिए, कई बंदों की स्पीड बहुत ही ज़्यादा कम होती है। मेरी स्पीड देखिए आप, 230 से ऊपर है ये उतरने की, ऐसे स्पीड होती है। आप थोड़ी टेक्निक से उतरिए, देखिए मुझे कहाँ जाना और मैं किस एंगल से और कैसे जा रहा हूँ। आप यहाँ मैप में देख सकते हैं ऊपर की साइड, ये देखिए, ये पहली ट्रिक्स है कि जिससे आप बहुत ही पहले उतर सकते हैं बाकी टीम प्लेयरों से आप आसानी से। ये देखिए अभी कोई उतरा तक नहीं है और आप सभी लोग उतर गए हैं। तो ऊपर ऊपर चलते हैं और सबसे पहले गन लेते हैं। मुझे देखिए 6 स्कोप भी मिला, एक होलो भी मिल चुका है। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से गेम प्ले खेला जाता है। एक साइड फायरिंग भी होने लगी, ओके। देखिए अब मेरा गेम देखिए, अब आपके पास कोई स्कोप नहीं लगा हुआ, अब आपको स्कोप लगाना होगा। तो आप पहले बैक पे जाइएगा, बैक से 6x को इधर लेके आइएगा, तब आप यहाँ पे आके इस पे स्कोप लगा चुके हैं, ये देखिए इस तरह से। तो अब मैं बताने वाला हूँ इसका फीचर। आप सबसे पहले यहाँ ऊपर की साइड में देखिए मैप के इधर सेटिंग है, आप सेटिंग पर जाइए। सेटिंग पर जाने के बाद आप इसे ओपन कीजिए, क्विक स्कोप स्विच इनेबल, आप इसे इनेबल कर दीजिए। इसका फ़ायदा क्या होता है आप देखिए, जो आप बैग में जाके यहाँ से स्कोप चेंज करते थे अब ऐसे नहीं करना पड़ेगा। अब मान लीजिए M16 4A में देखिए आपके पास होलो स्कोप है, तो अब आप कोई इसको चेंज करना है तो आप यहाँ 6 ये स्कोप का ऑप्शन आ जाता है, आप इस पर जाइए और यहाँ 6x कर दीजिए। अब देखिए आपके M16 4A में अब 6x ऑटोमेटिक लग चुका है, मतलब इसमें टाइम की बचत होती है और बंदे मारने में आसानी होती है। देख लीजिए अब आपको अगर इसमें लगाना है तो इस पे जाइए, इसमें अब होलो आ चुका है तो यहाँ पे आके आप इसे चेंज कर लीजिए इस तरह से। अब सेकंड ऑप्शन क्या है किल करने का, अब देखिए अगर आपको किसी बंदे को मारना है, मान लीजिए वो सामने है, तो आप उसे ऐसे देख के मारिएगा या ऐसे खोज के, तो ऐसे में वो बंदा आपको भी किल कर सकता है। यहाँ पर आप खिड़की के सामने आके उसे तब मारिएगा, इस तरह से नहीं। आप यहाँ पर हैं तो यहाँ से आप उसे कैसे मारे वो देखिए। उसके लिए आपको सेटिंग पर जाइए, आप यहाँ देखिए पिक एंड फायर है, इसे इनेबल कर दीजिए। इसको इनेबल करने के बाद यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन ऊपर की साइड खुल के आ गए, मतलब एम के ऊपर दो ऑप्शन। अब आपको किसी बंदे को अगर इस खिड़की में मारना हो तो कैसे मारिएगा, यहाँ पे है और यहाँ पे पिक ओपन वंस पे क्लिक करें। देखिए अब आपका बस शरीर दिख रहा है, नहीं तो आपको पहले मारना होता तो आप ऐसे सामने आते तब मारते, लेकिन अब यहाँ से देखिए तो आपका सिर्फ और सिर्फ शरीर दिखेगा और गन ऑटोमेटिक लग चुकी है। ये हुआ दूसरा सेटिंग। तीसरा, तो इसमें आपको और क्या चेंज करना, आप देखिए आप पिक वंस करते हैं तो आप पिक हो जाते हैं, लेकिन फिर आपको स्कोप ओपन करने के लिए ऐसे जूम करना पड़ेगा। तो इससे भी बचने के लिए आपको सेटिंग पे जाना है, और जो यहाँ पिक एंड ओपन वंस डिसेबल है आप इसे इनेबल कर दीजिए। अब इसका फ़ायदा क्या है वो भी देख लीजिए, आपको अगर पिक करके किसी बंदे को मार रहे हैं तो यहाँ पिक करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका स्कोप भी ओपन हो जाएगा,
और उस समय आपका स्कोप ओपन नहीं होता था, आपको यहाँ पे जाके स्कोप ओपन करना पड़ता था। ये इसके फायदे हैं। बस मुझे इन वीडियो में यही सब आपको बताना था, किस टिप एंड ट्रिक से आप बंदे को आसानी से मार सकते हैं। तो चलिए कुछ, ये ब्रस्ट और सिंगल का क्या फ़ायदा। ब्रस्ट में आप जैसे क्लिक करेंगे एक बार में तीन तीन गोलियाँ ओपन हो, और सिंगल मोड में सिंगल। तो सिंगल मोड मेरे अनुसार से ज़्यादा बेस्ट होता है, इसलिए मैं सिंगल में ही रखता हूँ। ये ब्रश ऐसे भी आप सिंगल कर सकते हैं, ब्रश जो आपकी मन की मर्जी। देखिए कोई, तो दोस्तों मुझे बस इस वीडियो में इतना ही बताना था कि आप किस तरह से एक प्रोफेशनल प्रो की तरह आप पबजी ओपन करके खेल सकते हैं। बहुत ही सिंपल ट्रिक्स था जो आप यहाँ भी सेटिंग से आके चेंज कर सकते हैं आसानी से। मैंने पिक वंस स्विच को इनेबल किया है, पिक एंड फायर, जिससे आप टेढ़े होकर प्लेयर को मार सकते हैं और ये ऑटोमेटिकली ओपन स्कोप हो जाएगा, इसे भी इनेबल किया है। ये आपको कुछ बारीकियाँ देखनी पड़ती है जिससे आप प्लेयर को आसानी से किल कर सकते हैं। ये जो क्रॉस हेयर कलर है, ये एम का आपका ऑप्शन दिखता है कि आप एम वाइट कलर का रखना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। इस तरह से बाकी ऑप्शन दिखाए गए हैं, और आप कंट्रोल में भी जाके आप कस्टमाइज पे क्लिक करें, वहाँ पे भी जाके आप सेटिंग चेंज कर सकते हैं। अगर आपको एम बड़ा करना है, जो बड़ा करना है आप उसको बड़ा या स्मॉल कर, जैसे आप मुझे ये वाला एम बड़ा करना है, इसका साइज़ मेरा 115 है, तो मैं यहाँ से बड़ा के इसे इतना भी कर सकता हूँ या इतना ही जितना है उतना भी रहने दे सकता हूँ, वो आपके ऊपर वो होता है। और यहाँ से जाके आप सेव कर सकते हैं। बस इतने से छोटी से फीचर हैं जिसे आप देख सकते हैं। उसके बाद बाकी कोई नहीं, आप ऑडियो पे जाके चाहें तो आप म्यूजिक की जो प्ले है, ये जो साउंड आप सुन रहे हैं, इसे ओपन भी रख सकते हैं या फिर कम। तो मैं इसे म्यूजिक को हमेशा बंद रखता हूँ जिससे खेलने में आसानी होती है मुझे। बाकी और कुछ नहीं है, बस आपको इसी तरह से प्रोफेशनल खेल की तरह गेम को प्ले करना है। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं आपको वीडियो पबजी से भी रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स देता रहूँगा जिससे आप भी अच्छा प्ले कर सकते हैं। मैं ऑटोमेटिकली इतना अच्छा प्ले करता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। और ये कुछ बारीकी है जिनका रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, उससे आपका गेम प्ले सुधर जाता है। जैसे कि मैंने वो बैग वाला ऑप्शन भी बताया था कि जिससे आसानी होती है खेलने में, इतना झंझट नहीं होता। अगर कोई सामने प्लेयर हो तो उससे आप आसानी से मार सकते हैं। तो बस इस वीडियो में बस यही था, मैंने इस वीडियो में कोई गेम खेला नहीं, बस मुझे बताना था उसीलिए मैंने ये बताया। क्योंकि पबजी में हम लोग को इतना टाइम नहीं मिलता कि आप इतनी आसानी से बताएं और आपको कोई बंदा किल ना करे, तो उसीलिए बस मैंने आपको इस वीडियो में यही बताना था। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।